आएंगे बाद में। ओके, अभी यहाँ आना हमारे राष्ट्रीय प्लान है, जरूर आएंगे जो भी टाइम मिलता है। ओके, ये महीने में पॉसिबल नहीं, अगले महीने में, क्योंकि जब टाइम मिले तब आना सर। उधर आओगे तो हमको भी अच्छा लगे। ओके, जरूर आएंगे। दिलीप भाई कुछ कहना चाहोगे? बस कुछ नहीं। बिट्टू भाई, दिलीप भाई को पूछो, दिलीप भाई ने कुछ बताया नहीं। भाई कुछ नहीं बताया, बहुत दिलीप भाई सब मिल के धंधा करेंगे और भाई भाई बन के रहेंगे। ओके, अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा, झगड़ा नहीं रहेगा, तो सब अच्छे से धंधा करेंगे शायद। ये सब मैं ऐसा हूँ, मैं स्टार हूँ, ये करने जाएंगे तो मजा नहीं आएगा। मैं जब भी स्टार बोलता हूँ तो स्टार के विरुद्ध में बोलता हूँ, लोगों को खराब लगने दे। राजीव साहब जो काम कर रहे हैं ना, वो बहुत बढ़िया काम है। इसके जो जिसके दिमाग में गलत सोच है वो तो गलत ही सोचेगा, और उसको सोचने दो, सोचने दो गलत। जो अच्छा सोचता है वो अच्छा सोचेगा, और जो भी कुछ काम करे बहुत बढ़िया काम करे। वो सब मिले, आज जो मिलने का मौका था, ये 2-3 साल पहले कोरोना में हमने किया था ये संगठन वाला काम, लेकिन नहीं हुआ था। उसका कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन राजीव सर ने ये इस साल साबित कर दिया है और संगठन अच्छा हो रहा है। और भी कोशिश करेंगे हम सब लोगों को जुड़ने के लिए, हमारे जो बच्चे जो एसटी मेंबर्स नहीं है उनके लिए एक छोटा सा मैसेज उन लोगों को। और मेरा एक निवेदन है, जिसके पास भी फोन है तो सब लोग वीडियो देखते हैं बैंड के, तो आप जो नीचे कमेंट करते हैं ना वो मत करो, अच्छा बोलो ताकि किसी को दुख ना लगे। तो अगर मैं किसी ने कमेंट किया, मैंने आपके बारे में कुछ बोल दिया, तो आपको कैसे दुख लगेगा? वो चीज दूसरों को भी लगता है, तो आप वो काम मत करो। सही बात ना? सही बात, ठीक है। आप लोग बोलोगे कि कोहिनूर वाले नहीं आए, लेकिन थोड़ा लेट हो गए, थोड़ा लेट हो गए, लेट हो गए कोई लेट नहीं, लेकिन आगे बात नहीं, लेकिन आगे। दिलीप भाई एक बोलने पर इतने दूर से काम छोड़ के आ गए, और आगे भी हम नया कुछ करने के लिए सोच रहे हैं बैंड इंडस्ट्री में, और हेल्प करेंगे लोगों को, और सुझाव देते रहे ना, मेरे पुराने बैंड के ओनर है या कई आर्टिस्ट है, ये लोग हमको बताते रहे। जिस भी बैंड को ओनर है इसको कुछ समझ में नहीं आता तो नॉलेज की जरूरत है, तो हमें फोन करो और आपको नॉलेज देंगे, कौन सी चीज कौन सी खरीदना है, क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है, हम लोग आपको थोड़ा नॉलेज दे देंगे। पहले तो मेरे को वही समझाओ, बाद में दूसरे को समझाओ। मैं बहुत सारा चीज बाहर से लेके आया हूं, वो बिना मतलब का पड़ा हुआ है। और अभी तो क्या है, सिस्टम में बहुत फेक चीज आ चुकी है, कॉपी बहुत आ चुकी है, तो इससे अच्छा है कि पहले के ओनर है जो बड़े बड़े बैंड वाले ओनर है, तो उसको पूछो, आप खरीददारी करने से पहले पूछो कि ये चीज खरीदना है कि नहीं, तो आपका पैसा सेफ रहेगा। अगर आप ये चीज जो दुकान वाला हो तो बोलेगा ये ले लो, आप ले लोगे, दुकान वाले को उसका तो काम ही है, प्रॉफिट होगा वही बताएगा, वही बताएगा, तो आपको तो सब ले लोगे, लेकिन आप पहले उसको जानो, इसकी ब्रांच समझो, और वो कौन सी कितना वेट का है, क्या इसकी क्लियरिटी है वो समझो, फिर लो। दिलीप भाई एक बात बताना चाहता हूँ, जो भी इंडिया से मैं बहुत सारी चीज लेके आया सारा सब चाइना कॉपी है, वही तो मुझे पता है, इसलिए मैं मजबूरी से फिर डायरेक्ट ताइवान और इंडोनेशिया नहीं उठा के लेकर जाऊँ। चाहे इतना आप समझ के लीजिए, कुछ भी चीज लो समझ के लीजिए, क्योंकि अभी बैंड इंडस्ट्री में बहुत सारी बैंड आ चुकी है, अभी जो दुकान वाले है ना वो अभी फेक्स चीज लाने लगे और आपको चिपकाएगा, तो ऐसे आप उल्लू बनते जाओगे तो क्या इसमें आपका नुकसान है? जो आदमी समझता है वो नुकसान में नहीं जाएगा, जो नहीं समझता है वो नुकसान में जाएगा। इससे अच्छा है तो किसी के पास आप नॉलेज ले लो, तो आके आपको पैसा थोड़ा बच जाएगा, वही पैसा आपको एक चीज और आ जाएगा। थैंक यू, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट मीटिंग में जल्दी मीटिंग करेंगे, और बाय बाय।